हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप पबजी गेम को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कैसे भेज सकते हो। तो अगर पबजी का कोई अपडेट आते हैं तो जैसे कि आप फिलहाल में देख सकते हैं पबजी का एक बड़ा अपडेट आया है 2 GB का। तो पबजी का कोई अपडेट आता है या पबजी गेम आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने दूसरे मोबाइल में, तो आप चाहते हैं मैं अपने पुराने मोबाइल से पबजी को नए मोबाइल में भेज लूँ बिना इंस्टॉल किए हुए, मेरा डाटा भी बच जाए 2 GB, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आप देख सकते हो पबजी का अपडेट आया हुआ है, तो मैंने एक मोबाइल में पबजी को अपडेट कर लिया है और मेरे घर में सभी लोग पबजी खेलते हैं। तो अब मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सभी मोबाइल में पबजी को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में और आपको अपने फ्रेंड्स ब्रदर सिस्टर के मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है फाइल्स गो। दोनों मोबाइल में आपको सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है और जिसके मोबाइल में पबजी गेम लेटेस्ट वर्जन अपडेट है उसके मोबाइल में आप क्लिक कीजिए सेंड के बटन में और अपने मोबाइल में क्लिक कीजिए रिसीव के बटन में। उसके बाद आप इस दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लेने के बाद जिसके मोबाइल में पबजी गेम अपडेट है उसके मोबाइल में आप ऐप्स सेक्शन में टाइप कीजिए और आप यहाँ पर पबजी मोबाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पबजी मोबाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सेंड के बटन में क्लिक कर देते हैं। अभी मैंने यहाँ पर डार्क थीम एक्टिवेट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तो आपको बैक बटन दबा के यानी होम बटन दबा के आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल में फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है और इंटरनल स्टोरेज में आ जाना है। इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है एंड्रॉयड फोल्डर। एंड्रॉयड फोल्डर को ओपन कीजिए और OBB फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको एक फोल्डर दिख जाएगा com.tencent.ig, तो आप उसको सिलेक्ट करके शेयर के बटन में क्लिक कीजिए। अगर शेयर का बटन नहीं आती है तो आप इस फोल्डर को ओपन करके इसके अंदर में जो एक फाइल है उसको सिलेक्ट करके अब शेयर के बटन में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर फाइल्स गो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप इसको कनेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से। आप अपने मोबाइल में पबजी का OBB फोल्डर सेंड कर सकते हैं। कल आप इस एप्लीकेशन की जगह आप शेयर इट भी यूज कर सकते थे, बट शेयर इट चाइनीज एप्लीकेशन है तो आप शेयर इट ना यूज करें तो बेटर है। हेल्स गो गूगल का एप्लीकेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और बैक हो जाने के बाद आपके मोबाइल में जो पबजी का ओल्ड वर्जन है आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं पबजी को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, आप भी अपने मोबाइल में पबजी को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ओल्ड वर्जन। ओके, ओल्ड वर्जन अनइंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन करना है फाइल्स एप्लीकेशन और यहाँ से आपको पबजी का APK फोल्डर इंस्टॉल कर लेना है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको नीचे में मैसेज आ जाएगा इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर होम बटन दबा के बैक हो जाना है और आपको अपने मोबाइल में फाइल्स माई फाइल्स या फाइल्स मैनेजर ओपन कर लेना है और आपको इंटरनल स्टोरेज में आ जाना है और आपको डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको रिसीव्ड में क्लिक करना है और ये फोल्डर जो आपको दिख रहा है आप इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए और मूव के बटन में क्लिक कीजिए। मूव या कॉपी कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ। मूव में क्लिक करने के बाद इंटरनल स्टोरेज में आ जाइए और आप यहाँ से एंड्रॉयड फोल्डर को ओपन कर लीजिए। एंड्रॉयड फोल्डर ओपन करने के बाद OBB फोल्डर में आइए और आप यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लीजिए 3 डॉट में क्लिक करके। यहाँ पर हम क्रिएट न्यू फोल्डर में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसका नाम टाइप कर देते हैं com.tencent.ig, जैसे कि आप इस डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं com.tencent.ig आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरह से और आपको क्रिएट के बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और आप इसको मूव कर दीजिए नए फोल्डर में। उसके बाद अब आपको पबजी मोबाइल ओपन करना है और अब आप देखिए आपका पबजी गेम सक्सेसफुली अपडेट हो गया होगा और जो भी पबजी का लेटेस्ट वर्जन आया है वो गेम आपके मोबाइल में आ गया होगा। सिर्फ आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल में गेम को अपडेट करना है। अगर आप अपने फ्रेंड का डाटा खर्च करवाना चाहते हैं और अपना डाटा सेव करवाना चाहते हैं तो आप उसको गप मार के बोल दीजिएगा भाई मैंने पबजी को अपडेट कर लिया है, तू भी पबजी को अपडेट कर ले। जब वो पबजी को अपडेट कर लेगा तो आप उनके मोबाइल से आप अपने मोबाइल में पबजी को भेज सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इन गेम अपडेट आएगा 10-15 MB का, तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा और फेसबुक के साथ लॉगिन कर लीजिएगा। फाइनली आपका पबजी गेम ओपन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिल जाएगा वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।